हरियाणा पुलिस की भर्ती में गड़बड़ियां बहुत सारी सामने आ रही हैं, ये आपको पता लगता है। रोज अखबार में आती हैं खबरें कि आज इतने पकड़े गए, तो कल इतने कैंडिडेट पकड़े गए थे फर्जी की, कल परसों कितने पकड़े गए थे। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर है, कम से कम कुछ कैंडिडेट्स के लिए तो अच्छी खबर है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो जो अपडेट है आपको पूरी अपडेट मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और घंटी के निशान को दबा लेना। तो यहाँ पर देखिए, जो पुलिस भर्ती है तो उसमें एचएसएससी के जो चेयरमैन है उससे कुछ युवा मिले हैं जाकर। मामला क्या है कि अभ्यर्थियों ने लंबाई मापने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि देखिए, कुछ कैंडिडेट्स के नाम भी यहाँ पे दिए हैं कि रामेर और मनोज आदि जो कैंडिडेट्स हैं वो 2019 में एसआई की भर्ती के दौरान तो मशीन में उनकी जो हाइट है वो 168.1 सेंटीमीटर पाई गई थी। वहीं 2021 में 5 जनवरी को कांस्टेबल की भर्ती के दौरान मशीन में जो आकलन हुआ यानी उनकी जो हाइट मापी गई तो उसमें उनकी हाइट जो है 167.6 सेंटीमीटर उतारी गई है। ये इतनी करी, यानी कि क्या उनकी हाइट कम हो गई है? अगर हाइट किसी की बढ़ती है तो बढ़ेगी ही, कम तो नहीं होगी ना। तो 168 से 167.6 कैसे हो गई? तो अब यहाँ पर देखिए, जो भोपाल सिंह जो खदरी जी हैं एचएसएससी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि दोबारा से इनको मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कहा है कि चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी जी बोले कि कोई गड़बड़ी नहीं, आपत्ति वाले कैंडिडेट्स को दोबारा हाइट जांच का मौका दिया जाएगा, वे इस संबंध में अपनी लिखित में शिकायत दें। तो अगर आप भी इनमें से ही कैंडिडेट्स हैं जिनकी ये गड़बड़ी हुई है तो आप लिखित में अपनी जो सूचना है वहाँ पर दे दीजिए शिकायत, तो आपको एक दोबारा एक और मौका जो है वो दे दिया जाएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो। ठीक है, ये इनके लिए कम से कम। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो फिजिकल दे के आ रहे हैं कि उनकी ये शिकायत थी कि उनकी हाइट जो है वो कम करी गई है वहाँ पे, जो कि पहले वाली भर्ती में उनकी पूरी हाइट थी। तो अब ये एक अच्छी खबर है कम से कम इन कैंडिडेट्स के लिए। ये थी एक अपडेट आपके साथ जो शेयर करनी थी। तो अपडेट ये आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लेना।